जतिन शाह इज बैक फ्रॉम हॉस्पिटल. थोड़ा सा चलने में ही स्टिल फीलिंग अ लिटिल पेन, बट स्टिचेस ऑलमोस्ट ड्राई हो गए हैं. ही इज नॉट फीलिंग द पेन ऑन द स्टिचेस थैंकफुली, सो आई थिंक इट्स ऑल गोइंग वेल. अब बिकॉज ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एंड आई वॉज फीलिंग वेरी बैड, तो मैंने उनको बोला था मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज मंगाने वाली हूँ. सो द पार्सल हैज कम एंड समबडी एल्स हैज ऑल्सो कम. लेट मी सी हूज कम. आई थिंक आपको आई होगी. अन्नी थक के आए का फिर फ्रेंड से लड़ाई हुई गिर गए फिर. अभी आपके लिए एक एक्साइटिंग चीज है. हैंड वॉश करो, फेस वॉश करो डैडी के लिए. हैंड और फेस वॉश करो. आपको सिंह बास्केटबॉल से आके देखना हालत. और हाथ तो दिखाओ, कोई बार हाथ दिखाना. ची गंदी हाथ. चल चल चल. I fell down on my knees also. Then I got hurt on my head. The ball hit my face again. देखो अपने आप लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है. कोई बच्चा अगर मार रहा है हर रोज तो वापस चपेड़ मार देने का और क्या कर सकते यार. You can't help it. Never start a fight but never come back being beaten up आपको. डैडी को देना है. ये लीजिए. आपको इतनी एक्साइटमेंट दिखाई ना आपने. अब आप हॉस्पिटल जाओगे को देखो काम से. मैं आपको कभी कुछ नहीं दूंगी. डिस्चार्ज गिफ्ट का क्या लोचा है भाई है? आपने बहुत हिम्मत दिखाई हॉस्पिटल जाके बिना रोए. बिना रोए सर्जरी में चले गए. मुझे लगा बहुत बेइज्जती करोगे आप. पसीना पसीना तो हो गया था. इसलिए बिकॉज यू बीन अ गुड बॉय. He's a baby. He behaves like a baby only when he goes to the hospital. Aku, मेरे को तो डर लग रहा था सर्जरी के पहले embarrass ना कर दे भौं भौं रोके. सर्जरी ज्यादा तो मुझे embarrassment की टेंशन हो रही थी कि पता चला रोना धोना शुरू. मैं नहीं जाऊंगा. आप मान नहीं सकते मैंने किस टाइप की हिम्मत दिखाई. नहीं मैं genuinely बोल रही हूँ. मुझे जितनी टेंशन सर्जरी की थी मुझे उससे ज्यादा टेंशन थी कि आप उठ के कहीं वो ना कर दो मुझे नहीं जाना है. मैं जाऊंगा इच नहीं. क्या है यार कितनी डबले. This is FC UK. Belt? I don't know. Cufflinks मांगा क्या मेरे को चाहिए तभी शादी के लिए. नहीं बेबी cufflinks तो आपने इस ये ऑर्डर होने के बाद बताया कि मुझे चाहिए. It's a watch. Show. कैसा लग रहा पहन के देखो. यो व्हाइट कलर एकदम. छोटी तो नहीं है ज़्यादा. दिखाओ मेरे को. फ्रेंच कनेक्शन. अच्छी लग रही है यार जैसा सही में. बट इसको ना बहुत ऑफन मत पहनना. वो वाइटनेस नहीं जानी चाहिए इसकी. ओ यार लग अच्छी नहीं है. यो फ्रेंच कनेक्शन. एफसीयू की अच्छी होती है वॉच में. हाँ हाँ इट्स अ गुड ब्रांड भाई. वाओ एक सरप्राइज चीज करी है. रुको फ्रीजर ओपन करो साथ में दोनों. 1 2 3 रुक जाओ अभी हुआ नहीं है आधा घंटा और लगेगा. रुको रुको सब खोल दिया लड़की ने मेरा. आको आई विल हैव खस. उसको बंद करो. आई विल हैव टैंग. बेसिकली ये खस है दोनों. ये रू अफजा है ये टैंग है. हमारे घर में जब भी गर्मी आती है हम बहुत सारे आइस लॉलीज बना के खाते हैं. आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग जब छोटे थे तो वो साइकिल पे जो एक भैया आते थे पी 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 करके वो आप खाते थे या नहीं. और अभी आप ये वाले आइस लॉलीज खा रहे हो या नहीं. अब बेसिकली ये हुआ है कि हमें जाना है नेक्स्ट मंथ फॉर अ वेडिंग. तो हम थोड़ा थोड़ा अपना क्लोथ्स और ये सब आकू का जेशा का देखना शुरू कर रहे हैं. बिकॉज मेरे पास तो है आया बिना साड़ीज और जो मेरे पास नहीं था वो मैं दीदी से ले आई थी पोशाक नॉल. अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है. तो लेकिन अब मैं जेशा और आकू का भी हम चेक कर रहे हैं कि इनके कुछ खरीदना है या बनवाना है तो वी हैव इनफ टाइम. आपका क्या सिस्टम है सब. मैं बॉम्बे से ले आया था सब. हाँ
इसको वॉश होना है कि वॉश बाबा हाँ वॉश जो होना है या आयन होना है वो सब दे देना तो मैं पहले से ही करा दूंगी. लास्ट मोमेंट वी शुड ओनली हैव थिंग्स टू पैक नॉट टू आयन ड्राई क्लीन वॉश. सो डैडी शाह का हो गया आपका सारा हो गया ना जशा. हाँ अब हम जा रहे हैं आकू का देखने. चलिए आपके कपड़ों के लिए डैडी शाह आकू सिंह के कपड़े कर ले. जब आकू के साइज के थे. ये आपकी है? हाँ ये शिवी पहनती थी फिर मैंने पहनी फिर आकू के लिए आई. अब शिज्जू और छोटी बहन. हाँ आकू बस शिज्जू पहनेगी. तैयारियां चल रही हैं अभी से शादी की. वाह 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 वी फील ही अलग है. आई सो है. फ्यू मोमेंट्स लेटर. मिस्टर हैंडसम कहाँ जा रहे हो इतने हॉट बन के? मूवी देखने जा रहे हो? चल पानी रहे लेकिन मूवी देखने जा रहे हैं. नहीं बट टुडे तो यू फीलिंग अ लिटिल बेटर ना. एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन इज द की जेशा. हां करेक्ट. और लेकिन मूवी का क्या सियापा हुआ है वो तो बता दो. मूवी सुबह तक तो दिख रही थी बुक माय शो पे लेकिन अभी दिख ही नहीं रही है तो हम लोग सोच रहे हैं कि पहले थिएटर जाते हैं और चेक करते हैं कि जब वहां पे अवेलेबल है या नहीं है. बिकॉज़ पेटीएम पे और उस पे दोनों पे कुछ तो टेक्निकल एरर बता रहा है सिनेपोलिस का. और नहीं हुआ तो ब्रेकफास्ट के लेने जाओगे कहीं अच्छी जगह. हां ठीक है. मूवी टाइम इट इज. हम लोग कश्मीर फाइल देखने का प्लान था लेकिन अब कश्मीर फाइल सोच रहे हैं कि कल देखेंगे. आज हम जा रहे हैं गंगूबाई काठियावाड़ी. वो तो बताओ क्यों कल देखेंगे? जेश भी आ रहा है और मम्मा भी आ रहे हैं पुणे में. जीनल का शायद कुछ काम है इसलिए जीनल नहीं आ पाएगी बट जीनू और मम्मा आ रहे हैं. सो हम लोग ने ये प्लान किया है कि जीनू मैं यहाँ पढ़ना जाएंगे कश्मीर फाइल्स. और अभी मॉर्निंग इतनी मॉर्निंग हम लोग क्यों जा रहे हैं मूवी वो इसलिए बिकॉज आकू का स्कूल रहता है. बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं लाइफ में अब तो मम्मा भी नहीं है इसीलिए हम लोग ऐसे शो प्लान करते हैं जिसमें आकू स्कूल रहे और हम मूवी में रहें. और वैसे भी ये वाली मूवी आकू के लायक नहीं थी तो हमने सोचा हम लोग अकेले ही चले जाते हैं. आकू को इतनी 83 सो 83 देखेंगे हम जब फ्री होंगे शाम को. जेशा के यूजुअली काम मुझे करने पड़ रहे हैं जल्दी ठीक हो यार. अचानक बहुत सारा काम का बोझ अपर्णा के सिर पे आ गया है. सही में इसलिए कल मैंने बहुत सारे ब्लॉग एडिट कर लिए. और कैसा होता है ना पेशेंस से करो ना तो इतनी चीजें दिमाग में आती है म्यूजिक का फील और वो सब बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे पहले से अभी मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ब्लॉग्स. अब पता नहीं ऑडियंस हमारे कैसे उनको फील हो रहा है पर पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है और ब्लॉग करने में थोड़ा सा एडिटिंग करने में ज्यादा मजा आ रहा है. एक्चुअली पता है पहले हम हर रोज कर रहे थे ना. हाँ. तो उसमें भी जस्ट अबाउट होल डे वी यूज्ड टू ब्लॉग शाम को एडिट तो ऐसा टाइम नहीं मिल रहा था टू लर्न न्यू थिंग्स न्यू वेज न्यू ट्रांजिशंस. करेक्ट करेक्ट. तो अभी जैसे कि आपने मेरा इंट्रो देखा होगा वो अपर्णा जतिन शाह लिखा था. अब ये सब में टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बिकॉज क्या है फटाफट ब्लॉग डालना है क्योंकि कल अपलोड पे कल मतलब उसका टेलीकास्ट होना है. सो अब ऐसा हो गया कि कोई छोटी सी चीज भी मुझे अच्छी लगती है ना तो मैं यूट्यूब पे जाता हूँ उसको सर्च करता हूँ उसको देखता हूँ उसको सीखता हूँ और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट करके फिर वो करता हूँ. तो अब क्या टाइम मिल रहा है थोड़ा सा सो चीजें और बेटर हो रही है मेरे हिसाब से. और पूरे थिएटर में हम दोनों दो ही कपल हैं आंटी आज आराम से देखेंगे. पूरा थिएटर हमने ही बुक किया है. पर्सनल बुकिंग है. कैसी फीलिंग आ रही है आपके लिए? आपके लिए पर्सनल थिएटर बुक है. मैं अभी जो कॉफी पी रही हूँ आई मेड माई क्यूब्स लाइक दिस कॉफी का कि टेस्ट डाइल्यूट ना हो जब आइस के साथ वो पिघले. आपको सिंह को वो पीना है कॉफी वाला. इट लुक्स लाइक डेट्स. आई हैव बीन टेलिंग हर कि कड़वी होगी बट वो सुन नहीं रही है. बट द रूल इज दैट शी कांट टेक इट आउट. अरे वाह गेस्ट है. ओके Let me calm myself down. I need to calm down. निकाल नहीं सकते उठा पटक देंगे. कैसी है? निकालो. तो बोल रहे थे सुन नहीं सकते थे मम्मा की बोल रहे थे कड़वी होती. इट्स नॉट इंटरेस्टिंग. मतलब इट इज इंटरेस्टिंग फॉर अस. आप लोग को थोड़ा ऐसे कड़वा लगता है. कितना अच्छा ट्विन टेलीपैथी है. क्या बनाया आप लोगों ने? सो बेसिकली क्या हुआ आपको नीचे गए थे खेलने और मैंने ऑलरेडी एलोवेरा क्यूब्स बना ली थी. शी केम
she had no clue. She came with these and she's like, Mama, I want you to make aloe cubes. Already, 20 minutes pehle maine banaya hai. Kya telepathy thi aapko? Twin telepathy, Mama, don't you telepathy. ये बर्फ में फ्रिज फ्रीजर में रखा था ये हाँ? अब इसको फेस पे लगाने का हाँ? ये मैं बुरा हो जाऊंगा और आकू स्कूल से जैसे ही वापस आई तो अपना ने कहा कि डैडी को फिर से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा